होंडा एसपी 125 का स्पोर्ट्स एडिशन आप खरीदने सोच रहे हो दोस्तों, आपको इस बाइक को नहीं मिलेगा क्योंकि इस बाइक को कंपनी बंद कर चुका है। होंडा एसपी 125 का जो ग्रे कलर और ब्लू कलर आपके सामने है, स्पोर्ट्स एडिशन का लिमिटेड स्टॉक आया था सिर्फ फेस्टिवल सीजन के लिए, जैसे दिवाली और दुर्गा पूजा के लिए। फिलहाल इस वेरियंट को आपको शोरूम पे नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स आप दुखी मत होना क्योंकि आपको एक गुड न्यूज दूंगा, होंडा एसपी का जो नॉर्मल वेरियंट और होंडा एसपी का जो स्पोर्ट्स एडिशन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंजिन सेम टू सेम। पहले देख लीजिए दोनों बाइक का डिफरेंस क्या है, गौर करके देखिए। ये है होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन, इसका टायर प्रोफाइल थोड़ा देख लीजिए कितना मस्कुलर और एक रिम स्टिकर वाला टायर आपको मिल रहा है स्पोर्ट्स एडिशन पे। लेकिन दोस्तों होंडा एसपी 125 का जो नॉर्मल वेरिएंट पे आपको कोई भी टायर पे रिम स्टिकर नहीं मिलेगा और इसका टायर प्रोफाइल आप देख सकते हो इतना थोड़ा मस्कुलर नहीं दिया है। सो दोस्तों इसका टायर प्रोफाइल सच है 80x100x18 इंच का एलो व्हील और होंडा एसपी नॉर्मल वेरिएंट पे आपको कोई भी रिम स्टिकर नहीं मिल रहा है दोस्तों। बट ये देखिए आपको स्पोर्ट्स एडिशन पे एक रिम स्टिकर मिल रहा है और इसका टायर ग्रिपिंग भी थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा, फुल्ली ट्यूबलेस टायर है। इसका टायर साइज है 80x100 इंच का। दोस्तों ये एक थोड़ा मस्कुलर और स्टाइलिश दिखने वाला एक लुक दिया है इस कंपनी और सामने वाला सस्पेंसर भी आपको मिल रहा है टेलीस्कोपिक फोक जो होंडा एसपी नॉर्मल वेरिएंट पे कुछ सेम टू सेम ही मिलेगा इस बाइक पे। दोस्तों ऑफरोडिंग करने के टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस बाइक पे क्योंकि बहुत ही अच्छा शानदार इस पे जो सस्पेंसर आपको मिलेगा, पीछे की तरह एक आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंसर मिल रहा है जो आपको सेम टू सेम दोनों ही बाइक पे आपको मिलेगा। बात करूंगा दोस्तों इस दोनों बाइक का जो मेन चीज वो है इसका पेट्रोल टैंक और माइलेज। आपको इस पे 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा E20 का अपडेट के साथ और इस पे माइलेज आपका आराम से दोस्तों 65 के ऊपर मिलेगा। डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे आप देख सकते हो। और होंडा एसपी 125 का जो स्पोर्ट्स एडिशन है ना दोस्तों, इस पे भी आपको 11 लीटर पेट्रोल टैंक साथ पे आपको 65 का माइलेज मिलेगा। और एक चीज दोस्तों, होंडा एसपी स्पोर्ट्स एडिशन पे मैं सोचा था इस पे ब्लूटूथ एडिशन आएगा बट कोई भी ब्लूटूथ का अपडेट नहीं आया है। आपको सेम टू सेम जो नॉर्मल वेरिएंट का जो डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर भी मिलेगा और दोस्तों कोई भी ब्लूटूथ वगैरह नहीं आया है अपडेट। देख सकते हो इसका डिजिटल मीटर आपको दिखाऊंगा, इस पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल टैंक इंडिकेटर साथ पे आपको जो स्पीडोमीटर भी यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों स्पोर्ट्स एडिशन पे ब्लूटूथ होता तो बहुत ही अच्छा होता, आपका क्या राय है आप थोड़ा कमेंट करके बताना। दोस्त और एक चीज नोटिस करिए, इस बाइक पे आपको मिल रहा है हैलोजन इंडिकेटर बट जो स्पोर्ट्स एडिशन आया है उस पे भी आपको हैलोजन इंडिकेटर ही मिल रहा है। मैं सोचा था इस पे आपको थोड़ा जो LED इंडिकेटर देता तो बहुत ही प्रीमियम लुक हो जाता होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन, बट दोस्तों ओवरऑल बात है इस दोनों बाइक सेम टू सेम है। थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया है होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन बट होंडा एसपी 125 जो नॉर्मल वेरिएंट है ना चार कलर में आता है। दोस्तों इस बाइक भी आप खरीद सकते हो क्योंकि इंडिया पे 125 सीसी बाइक सेगमेंट पे इतना माइलेज आपको कोई भी आदर्श बाइक पे नहीं मिलेगा दोस्तों, ये आपको गारंटी देके बता सकते हो। होंडा एसपी 125 का जो नया मॉडल पे आप जरूर खरीद सकते हो दोस्तों क्योंकि होंडा एसपी 125 बाइक पे कुछ डिसअपॉइंटेड मुझको लगा, जैसे इस पे ब्लूटूथ फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, बट प्राइसिंग बहुत ही कम है। इसका कंपैरिजन है हीरो ग्लैमर एक्सटेक मॉडल से। क्या इस बाइक को आपको खरीदना चाहिए ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। मुद्दे की बात पहले ही करूंगा दोस्तों, क्या है इस बाइक का प्राइसिंग। आपको डीज वेरिएंट मिल जाएगा होंडा एसपी 125 1,09,000 रुपीज के आसपास और ड्रम वेरिएंट आपको मिल जाएगा दोस्तों 1,04,000 रुपीज के। इस बाइक का मेन चीज है इसका इंजिन दोस्तों, एक स्मूथ एंड रिलायबल इंजिन मिलेगा इस बाइक पे, सो इसलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। और दोस्त इस बाइक पे आपको साइलेंट स्टार्ट मिलेगा उस साथ किक के साथ, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा है आप देख सकते हो 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा ब्रह्मोकरा क्रॉस करने टाइम। दोस्त इस बाइक पे मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किया हूँ इंजिन गार्ड का, दिखने में थोड़ा और भी ज्यादा स्टाइलिश लुक हो गया। अब इस बाइक को खरीदने सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और होंडा एसपी 125 का बहुत सारा कलर है फ्रेंड, सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के थ्रू मैं आपको तीन कलर वेरिएंट दिखाऊंगा और एक स्पोर्ट्स एडिशन का भी कलर है वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्त इतना रुपया देके इस बाइक को आप खरीदने सोच रहे हो सो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिए, आपका ही फायदा होगा। होंडा एसपी 125 बाइक को मैं लगभग 4 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है आप देख सकते हो। सो दोस्तों इस बाइक का बहुत ही खासियत चीज है इसका इंजिन और इसका माइलेज। सो दोस्त इस बाइक का और एक खासियत चीज है इस बाइक का जो प्राइसिंग पे इस बाइक का जो स्टाइलिश लुक मिलेगा आपको अदर्स ब्रांड पे नहीं मिलेगा। बात करूंगा इस बाइक का जो डिजाइन, दोस्तों डिजाइन है आपको प्रीमियम क्वालिटी का डिजाइन मिलेगा, फुल बॉडी आपको फाइबर का मिलेगा बट पेट्रोल टैंक जो है वो आपको मिलेगा मेटल का।
इस बाइक का बहुत सारा कलर वेरिएंट है। मेरा जो बाइक है दोस्तों ग्रे कलर का, सो दोस्तों फिलहाल ग्रे कलर अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट इसका ब्लैक एंड नियॉन कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही पॉपुलर एंड डिमांडेबल है, मेरे को पर्सनली फेवरेट भी लगा। इसका डिजाइन सो दोस्तों देख सकते हो, ये टीनेजर फैमिली यूजर के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इस बाइक का जो अच्छा खासा चीज है इसका माइलेज, ऑन एंड एवरेज आप 57 से लेके 63 के आसपास आप माइलेज निकाल सकते हो, डिपेंड करेगा आपका राइडिंग कंडीशन के ऊपर दोस्तों। और एक खासियत चीज बताऊंगा, इस चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाया हूँ। सो दोस्तों इस बाइक का मैं ऑन एन एवरेज माइलेज पाता हूँ 62 के आसपास। दोस्तों इस बाइक का और एक खासियत चीज फैमिली के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस बाइक का जो सीटिंग लेंथ है ना दोस्तों और क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है। इस बाइक का जो अपग्रेड वर्सन है होंडा SP160, उससे इस बाइक का प्राइसिंग बहुत ही कम है, बट बेनिफिट आपको सेम टू सेम मिलेगा इसका सीटिंग पोस्चर का। सो दोस्तों नेक्स्ट दिखाऊंगा इस बाइक का जो टायर ग्रिपिंग आपको मिलेगा 80x100mm का फुल्ली ट्यूबलेस टायर होंडा SP125 बाइक में, जो बहुत ही अच्छा खासा है। और इसका पीछे का जो टायर दोस्तों अपग्रेड कर चुका है कंपनी, आपको 100x80mm का फुल्ली एक ट्यूबलेस टायर मिलेगा। टायर की भी देख सकते हो बहुत ही वाइट है। नेक्स्ट देखिए इस बाइक का जो पीछे का तरह लू आपको मिलेगा, टेल लैम्प का जो स्टाइल है टी शेप पे आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो पीछे का तरह हैलोजिन इंडिकेटर कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, उसन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सो दोस्तों फैमिली के लिए इस बाइक बहुत ही बेस्ट है। होंडा SP125 पे और एक चीज अपडेट हो चुका है, इस पे जो गियर शिफ्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आता था, सो दोस्तों एक कंपनी अपडेट कर दिया है, और इस बाइक पे आपको कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिलेगा और फुल्ली कवर्ड चेन है इस बाइक का, सो इसलिए मेंटेन कॉस्ट पे आपको लो पड़ेगा। होंडा SP125 का जो मेन खासियत है इसका इंजन, ऐसा पे इंजन का बदलाव नहीं हुआ है, आपको मिलेगा 124.9cc एयर कूल BS6 कंप्लाइंट OBD2 अपडेटेड इंजन। दोस्तों इंजन बहुत ही रिफाइंड है और आपको एक स्मूथ राइड मिलेगा। इस बाइक पे किक स्टार्ट भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, और होंडा SP125 पे आपको ESP का टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, और इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत ही अच्छा खासा है। दिखाऊंगा इस बाइक का जो मीटर कंसोल दोस्तों, आप देख सकते हो एक फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस बाइक पे कोई भी ब्लूटूथ फीचर्स का अपडेट नहीं दिया है। मैं ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए मीटर कंसोल पे कोई भी ब्लूटूथ का सिंबल नहीं है। ब्लूटूथ फीचर्स का अपडेट कब आएगा ये भी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, बट आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसने चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बाइक पे आपको मीटर कंसोल पे स्पीडोमीटर टैकोमीटर सब कुछ मिलेगा दोस्तों। होंडा SP125 का ए है स्पोर्ट्स एडिशन दोस्तों, स्पोर्ट्स एडिशन का डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हो। स्पोर्ट्स एडिशन पे कलर और ग्राफिक्स स्टिकरिंग थोड़ा अपडेट कर दिया कंपनी, और सब कुछ सेम ही है दोस्तों। तो दोस्तों होंडा SP125 किसको खरीदना चाहिए, जो लोग डेली कम्यूटिंग फैमिली यूज ऑफिस वगैरह जाने के लिए डेली काम करने के लिए एक बाइक खरीदने सोच रहे हो जिसका माइलेज ज्यादा दे प्राइस भी आपको अच्छा खासा मिले, उन लोगों के लिए बेस्ट है होंडा SP125 बाइक, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे। मैं इस बाइक को 3 साल से यूज कर रहा हूँ दोस्तों, राइट साइड पे वीडियो आप देख सकते हो। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेडिकेटेड होंडा SP125 रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो आएगा, सो दोस्तों आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।